हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएसएम टेक्नो क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आपका आधार नंबर कितने कॉन्टैक्ट नंबर से लिंक है और अपने आधार नंबर से लिंक्ड कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसे उसकी सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। बस एक मिनट की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर आपके कनेक्टेड हैं आधार नंबर से और कौन कौन से नंबर को आप एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला काम हमें करना है किसी वेब ब्राउजर को स्टार्ट करना है। वेब ब्राउजर को स्टार्ट करते के साथ यहाँ सर्च करेंगे आप dot को सर्च कीजिएगा तो आपके पास ये लिंक आएगा जहाँ पे आपको दिखाई मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके पास जो ये वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट पे आपको यहाँ देखना है DOT पोर्टल्स। इस वाले लिंक पे आप देखेंगे, इसके नीचे ही आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपका TAFCOP, इसको क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो आ जाती है। अब यहाँ पर आपको जो नंबर आपके आधार अकाउंट से लिंक है उस नंबर को यहाँ पे पुट करना है आपको। आपने जैसे ही यहाँ पे अपना नंबर पुट किया, फिर यहाँ से OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट OTP। जैसे ही आप OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपके फ़ोन पे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसे आपको यहां से वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते के साथ आपके पास जो स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन पे आपके सभी नंबर जो आपके आधार नंबर से लिंक हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर कोई सस्पिशियस नंबर है, जो नंबर आपका नहीं है, जो आप यूज़ नहीं करते हैं या आपकी जानकारी में नहीं है, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करना है दिस इज़ नॉट माई नंबर, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसीड हो जाएगी और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपकी इस नंबर की सर्विसेज को स्टॉप कर देगी। फिर ये नंबर आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, चाहे ये नंबर किसी के पास भी हो, कोई भी यूज़ कर रहा हो, वो इसकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही, कैसी रही, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।